गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं किडनी में जो स्टोन बनता है उसका कारण क्या है और कितने टाइप के रिपोर्ट आती हैं। तो देखिए, जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तीन तरह की सिचुएशन लिखी होती हैं। कभी कभार लिखा होगा रीनल स्टोन, और कभी कभार लिखा होगा रीनल कैलकुलाई, और कभी कभार लिखा होगा रीनल कैनक्रिएशन। तीनों का अलग अलग मतलब है, तो आज इसी के बारे में समझते हैं और लास्ट में देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, पूरी बात समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बॉडी में स्टोन बनता है और स्टोन बनने के दो ही भाग हैं, या तो गाल ब्लैडर में स्टोन बने या तो किडनी में स्टोन बने। दोनों के बनने का एक ही थ्योरी है, एक ही साइंस है, और वो साइंस इस तरह से है कि व्हेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट नो कैलकुलस फॉर्मेशन ना। तो इसको देखिए, इस तरह समझिए कि जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा है आयनिक प्रोडक्ट। तो देखिए, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या है, आयनिक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। तो अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है ना और आयनिक प्रोडक्ट कम है ना, यानी ये ज्यादा है और आयनिक प्रोडक्ट क्या है, कम है, तब स्टोन नहीं बनेगा, नो स्टोन फॉर्मेशन, नो स्टोन फॉर्मेशन, ठीक। अब इसी का उल्टा हो जाए, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हो जाए ना और ये आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब स्टोन बनेगा, तो देखिए दो सिचुएशन है। और पहली सिचुएशन क्या है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है ना, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा तब स्टोन नहीं बनेगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा मतलब सॉल्युबल होने की टेंडेंसी ज्यादा, और जब सॉल्युबल होने की टेंडेंसी ज्यादा तो स्टोन नहीं बनेगा। तो करना क्या है कि पानी नॉर्मल पीना है, एक्सेस में जबरदस्ती नहीं पीना है। जब भी आपको प्यास लगे पानी जरूर पीजिए, डीले ना करिए, ताकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा रहे और आयनिक प्रोडक्ट मींस जो आयन है बॉडी के अंदर, जो साल्ट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के ढेर सारे साल्ट होते हैं ऑक्सलेट के, तो अगर वो साल्ट का कंसंट्रेशन कम रहे, इसके लिए जरूरी है कि आयनिक प्रोडक्ट कम हो, इसके लिए जरूरी है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या रहे, ज्यादा रहे, तब स्टोन नहीं बनेगा। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा रहने के लिए बस एक ही चीज करना है कि आपको लिक्विड मटेरियल ज्यादा लेना है, फलों का जूस पानी ज्यादा पीना है, तब स्टोन नहीं बनेगा। अगर इसी का जस्ट उल्टा हो गया कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हो गया, यानी आपकी प्यास कम हो गई, पानी कम आप पी रहे हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे लगातार फीवर बना हुआ है अंदर, तब भी प्यास कम लगती है, जब प्यास कम लगेगी तो आप पानी कम पियेंगे, और पानी जब कम पियेंगे तो संभावना बनती है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम हो जाए, यानी सॉल्युबल होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो गई है, तो अल्टीमेटली आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो स्टोन बन जाएगा। तो स्टोन ना बने इसके लिए ही करना है कि लिक्विड मटेरियल ज्यादा लेना है। क्यों ज्यादा लेना है, जैसे बॉडी है ना हम लोगों की, ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसके बॉडी में लगभग 60 से 70% पानी है,
हम लोगों के शरीर में 60 से 70% पानी है और इसकी मात्रा जरूरी है 60 से 70% रहना। अगर ये कम हो गया तो बॉडी में सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट होने लगेंगे, फ्लो करके बाहर नहीं निकलेंगे ना। तो फ्लो करके जब बाहर नहीं निकलेंगे तो स्टोन बनने लगेगा। तो आपको यही करना है कि लिक्विड मटेरियल बॉडी के अंदर ज्यादा जाए ताकि बॉडी वॉश आउट हो जाए, जो भी उसके अंदर साल्ट है, मटेरियल है, जो डिपॉजिट हो सकते हैं वो बाहर निकल जाए। तो देखिए, अगर सिंगल है, एक इकलौता पीस है ना, जब इकलौता पीस है, अकेला है, तो रिपोर्ट में लिखा लिखा रहता है रीनल स्टोन या फिर रीनल कैलकुलस। अब अगर कई हैं, छोटे छोटे 2-4-10 हैं, इस तरह से कई हैं, तो लिखा रहता है रीनल कैलकुलाई ना, यानी एक सिंगल पीस और 2 से लेकर के 10 तक हैं तब लिखा रहता है रीनल कैलकुलाई, और ढेर सारे हैं एकदम और छोटे छोटे हैं इस तरह से, इनकी संख्या 10 से ज्यादा है, 10+ हैं, तो इनको लिखा रहता है रीनल कैनक्रिएशन। तो यही डिफरेंस है तीनों में। ए रीनल स्टोन, जब इकलौता सिंगल पीस है तो रीनल स्टोन, 2 से 10 है तब रीनल कैलकुलाई, और छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़े हैं तब ये क्या है, रीनल कैनक्रिएशन है। तीनों को बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि बॉडी के अंदर इतना परसेंट लगभग मेंटेन रहे, तो इन सबको वॉश आउट होने की संभावना बढ़ती है। तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है जो कि इन स्टोन का जो बॉडी के साथ, यानी जो किडनी के साथ जो ज्वाइंटमेंट है उसको खत्म करती है। जैसे मान लीजिए कि एक किडनी है इस तरह से ना, एक किडनी है और इसमें स्टोन बना है इस तरह से, ये है किडनी। तो मान लीजिए इसके अंदर स्टोन बना है, तो अब होता क्या है कि जो मेडिसिन आप लेते हैं होम्योपैथी की, वो क्या करती है कि इसका जो अटैचमेंट है किडनी के टिश्यू से, किडनी की कोशिकाओं से, उस अटैचमेंट को खत्म करता है, स्टोन को डिजॉल्व करता है। स्टोन को जब डिजॉल्व करेगा तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बगल से लिक्विड फ्लो करने लगेगा, तब धीरे धीरे डिजॉल्व होकर बाहर निकलेगा। तो ये मेडिसिन जो है किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और वो मेडिसिन देखिए, स्टोन निकालने के लिए ढेर सारी मेडिसिन है, लेकिन पूरी दुनिया इन दो मेडिसिन को जानती है जो स्टोन निकालने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। तो पहला मेडिसिन है बारबेरिस वल्गैरिस, इसका मदर टिंचर ले लीजिए, और दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया, इसका मदर टिंचर ले लीजिए। तो बारबेरिस वल्गैरिस और हाइड्रेंजिया, इन दोनों के मदर टिंचर को 15+15 बूंद, ठीक है, यानी इसका भी 15 बूंद और इसका भी 15, दोनों का 15 15 15 बूंद हाफ कप पानी में मिला दीजिए। अब पानी में मिलाने के बाद इसको 3 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम, तो जो आपका स्टोन है वो गल के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई और रीनल कैनक्रिएशन के बीच डिफरेंस समझा। तो ये जो रीनल कैनक्रिएशन जो बनता है, ये कॉमनली उनमें देखा जाता है जो पानी कम पीते हैं किसी कारणवश, या फिर उनका थायराइड का डिसऑर्डर है उनमें भी ज़्यादा देखा जाता है, और जो कि अपने शरीर में किसी भी तरीके से साल्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो साल्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप ऐसे मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, जैसे बैंगन है, टमाटर है, पालक है,
इन सब चीजों का अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी संभावना बनती है। तो इसी तरीके का और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की बात समझ में आई तो इसको लाइक भी करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।